choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग। तो अब तक कहानी में आपने देखा अपने जस्टिस लीग को सिक्स डायमेंशन घुमाया जा रहा है, वो भी एक दूसरे सुपरमैन के द्वारा, लेकिन शेन कैंड्राम और मार्शियन को सच्चाई बताता है। वहीं लैक्स लूथर की टीम एक दूसरे फिफ्थ डायमेंशनल इम्प के पास पहुंच चुकी है और हमारे असली सुपरमैन के सामने वो नकली सुपरमैन आ चुका है। सुपरमैन उस नकली को काफी जोरों से घूंसे मारता है। फ्यूचर सुपरमैन कहता है, मुझसे लड़ने का कोई तुक नहीं बनता, अब मैंने तुम्हें हर चीज की सच्चाई बता दी है। सुपरमैन ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। तभी फ्यूचर सुपरमैन अपनी एक ही उंगली से सुपरमैन का पंच रोक लेता है और उसने सुपरमैन का हाथ पकड़कर उसे जोर से जमीन में दे मारा। तुम्हारा हो गया क्या, अच्छा है, ये सब चीजें पहले भी काफी बार हो चुकी है, फिर भी मैं यहाँ पे आता हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हें जवाब देने का एक मौका देता हूँ, अगर तुम मुझसे एक और बार लड़े तो मैं यहीं का यहीं तुम्हें मार डालूंगा। सुपरमैन कहते हैं, तुम मेरे दोस्तों को लंबे टाइम तक बेवकूफ नहीं बना पाओगे, वो तुम्हें रोकेंगे। फ्यूचर सुपरमैन ने कहा, मैं उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस आदमी से जो उनको विनाश की तरफ ले जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी मल्टीवर्स ही क्यों ना हो, और वो हो तुम। मैंने ये पॉकेट यूनिवर्स बनाया है ताकि तुम्हें कैद किया जा सके। इसकी दूसरी साइड पे एक कॉस्मिक गार्डन है जिसमें तुम्हारे लिए खाना रखा हुआ है। जिस रैम के अंदर तुम्हारे दोस्त हैं वहाँ से इतनी लाइट नहीं आती कि तुम्हें पावर मिल सके। तुम्हारी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर तुम एक बार फिर से कूदे तो स्पेस में मारे जाओगे और वहाँ बैठे हुए वापस इसी प्लेनेट पे आओगे, जैसा कि तुमसे पहले वाले सुपरमैन भी कर चुके हैं। सुपरमैन ने कहा, अगर तुम मुझे यहाँ पे कैद भी कर लेते हो। फ्यूचर सुपरमैन कहता है, मैं ये सब पहले भी सुन चुका हूँ और मुझे मेरा जवाब मिल चुका है, गुड बाय सुपरमैन। वहीं फ्यूचर गौतम के अंदर बैटमैन डिक ग्रेसन से बात कर रहा है। ग्रेसन कहता है, पुराने वाले गौतम के अंदर हर जगह डार्कनेस थी, लेकिन ये लाइट से भरा हुआ है, काश कि अल्फर्ड भी ये सब देख पाता। ब्रूस पूछता है, उसके साथ क्या हुआ। डिक ने कहा, लड़ाई के बाद वो भी मर गया, वो काफी बूढ़ा हो चुका था, हम सब वहीं पे थे, अपने आखिरी क्षणों के अंदर भी उसे लगा कि तुम हमारे साथ थे, वो बस यही कहता रहा कि मैं एक आखिरी बार ब्रूस वेन को हील नहीं कर पाया, इसलिए हमने ये सब किया, आर्कम को तोड़ दिया और पेनीवर्थ को घर बनाया जहाँ लोगों को हील किया जा सके। यहाँ पे बारबरा काफी अच्छे से काम करती है। फिर बैटमैन बाकी सब के बारे में पूछता है। डिक कहता है कि हर कोई कुछ न कुछ अच्छा काम कर रहा है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये जगह अजीब लग रही है। बैटमैन ने कहा, मुझे ये जगह अजीब लगनी चाहिए लेकिन नहीं लग रही। अपनी पूरी लाइफ मैंने गौतम को सुरक्षित रखने की कोशिश की और जिस रात मैं सफल हो जाता अगली सुबह ये फीलिंग मेरे मन में आती, लेकिन मुझे पता था कि ये फीलिंग ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। जब तक मैं अपनी गुफा तक पहुंचता ये फीलिंग जा चुकी होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुझे काफी शांति महसूस हो रही है। गाइस ये दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर ही रहे थे कि मार्शियन ब्रूस से कॉन्टेक्ट करता है। ब्रूस, तुम्हें मेरे साथ आना होगा साइचिक ब्रॉड रूम के अंदर। ब्रूस पूछता है, क्या बात है जॉन। मार्शियन ने कहा, मुझे इस जगह के बारे में कुछ बताना है, ये वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। बैटमैन ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। मार्शियन कहता है, ये फ्यूचर, ये एक ऐसा रास्ता है जिसे हम कभी नहीं चुनेंगे और हमारा होस्ट। तभी शेन कहता है, वो किसी भी टाइम यहाँ पे आ सकता है, तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। डायना कहती है, हमें इतनी जल्दी जल्दी कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा आराम से बताओ। फिर शेन बोलता है, इतना टाइम नहीं है, अगर उसे ये लगा कि तुम उसका साथ नहीं दोगे तब वो तुम सब लोगों को मार डालेगा, जैसे अब तक वो तुम्हारे दोस्त को मार चुका होगा। फ्लैश पूछता है, कौन सा दोस्त। देखो, हम बुरे लोगों से बचकर नहीं भागते, और अगर यहाँ पे कोई बुरा आदमी है तो तुम्हें हमें उसके बारे में बताना होगा। जॉन स्टीवर्ट ने कहा, हाँ, सुपरमैन ने हमें बताया था कि ये आखिरी लड़ाई होगी, मैं काफी लड़ाइयां लड़ चुका हूँ और इसकी कीमत भी जानता हूँ, लेकिन ये वाली जगह ये मुझे सबसे अच्छा फ्यूचर लग रहा है, आखिर हमसे यहाँ पे क्या छुपाया जा सकता है। शेन ने कहा, तो ठीक है, अपने दिमाग खोलो और मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो मैंने देखा है, इस जगह का सच बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि शेन कुछ भी कर पाता, कोई उनके साइचिक ब्रॉड रूम के अंदर घुस आया था। उसने कहा, नहीं शेन, तुम उनको सच्चाई नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा। गाइस ये वही फ्यूचर सुपरमैन था। मार्शियन कहता है, हमें आजाद कर दो, तुम सुपरमैन नहीं हो। सुपरमैन ने कहा, असल में मैं वो इकलौता सुपरमैन हूँ जो तुम्हें बचा सकता है। बैटमैन पूछता है, लेकिन तुम हमारे वाले सुपरमैन नहीं हो, है ना, हमारे वाला सुपरमैन कहाँ है। सुपरमैन कहता है, शांत हो जाओ ब्रूस, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो सुरक्षित है।
डायना ने कहा, तो तुमने हमसे झूठ बोला था कि तुम सुपरमैन हो, और हम ये कैसे जान लें कि तुम हमारे वाले सुपरमैन के बारे में सही कह रहे हो, किसी भी चीज के बारे में सच कह रहे हो। सुपरमैन कहता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? यहाँ तक कि तुमने भी इतनी सच्ची सच्चाई नहीं देखी होगी। तुमसे लोग मेरी बात सुनो, मैं हमेशा ही तुम लोगों को अपनी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि तुम इस यूनिवर्स को देखो, इसे मेरी सच्चाई जाने बिना समझो। इसलिए मैंने सुपरमैन को सेल बाय सेल इस फॉर्म में फिर से बनाया। अगर हमें जीतना है तो हमें एक टीम में काम करना होगा, और जैसा कि तुम अपने प्लैनेट पे कहते हो, टीम के अंदर कोई मैं नहीं होता। बैटमैन ने कहा, और टीम के अंदर तुम भी नहीं होते। डायना बोली, बहुत हुआ, हमें अपनी सच्चाई दिखाओ। सुपरमैन कहता है, तो ठीक है, अगर तुम्हें अभी सच जानना है तो मैं परपेचुआ का पहला बेटा हूँ, मॉनिटर और एंटी मॉनिटर का भाई हूँ, जो सिर्फ अपनी सोच से कोई भी रूप ले सकता है और हर चीज को क्रिएट कर सकता है। मैं हूँ वर्ल्ड फोर्जर, और ये मल्टीवर्स मैंने बनाया है। लेकिन इतना जान लो जस्टिस लीग, यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। वहीं अर्थ पे उस इम्प का साइज काफी बढ़ चुका है। मीरा ने कहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारी पावर्स इसके ऊपर काम नहीं कर रही। स्टारमैन कहता है, इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है मैंने ऐसी पहले कभी फील नहीं की। जारो, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? फिर जारो उससे जाकर चिपका और कहा, जिस फॉर्म के अंदर ये इम्प है वो चीजों को इस रियलिटी में इमेजिन नहीं कर रहा, बल्कि इसका उल्टा कर रहा है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये रियलिटी की हर चीज को मिटा देगा। वहीं वर्ल्ड फोर्जर कह रहा है, टाइम बहुत कम है, लेकिन जैसा हम बात कर रहे हैं मैंने काम चालू कर दिया है ताकि मैं इस वाले मल्टीवर्स को प्रेजेंट मल्टीवर्स से चेंज कर सकूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से मेरा साथ दो। चाहता हूं कि सबसे महान हीरोज जस्टिस का साथ दें। वंडर वुमन कहती है, ऐसा करने के लिए हमें सच्चाई जाननी होगी। लेकिन बैटमैन ने कहा, नहीं, हमें वो जानना है कि तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो, हमें क्या चीज बनाना चाहते हो। वर्ल्ड फोर्जर कहता है, बढ़िया है, मैं बताता हूँ। आज से कुछ दिनों बाद लैक्स लूथर हर लिविंग बींग की विनाश के बारे में बहस करेगा, और वो टाइम हर मल्टीवर्स के अंदर अंत की शुरुआत है, सिवाय इस वाले मल्टीवर्स में, जहाँ तुम में से एक ऐसा तरीका निकाल लेगा जो ये पता लगा सके कि जस्टिस का साथ कौन देगा और डूम का साथ कौन देगा। और तुम पहले उनके ऊपर हमला करोगे, उन सबको कैद कर लोगे जो कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। फ्लैश ने कहा, आराम से, तुम ये कह रहे हो कि हम पूरे मल्टीवर्स के अंदर घूमें, हर उस बींग को कैद करें जो हमारे खिलाफ खड़ा होने वाला है, और वो भी लड़ाई के शुरू होने से पहले। जॉन स्टीवर्ट कहता है, तुम लड़ाई होने से पहले किसी को कैद नहीं कर सकते, और आखिर तुम कितने बींग्स की बात कर रहे हो। मार्शन कहता है, खरबों की, आधे से ज्यादा मल्टीवर्स के बारे में बात कर रहा है। केंड्रा ने कहा, और जो हमारा विरोध करेंगे या फिर भागने की कोशिश करेंगे, हमें उनके साथ लड़ना होगा, और इसी में कई साल बीत जाएंगे। ये वाला मल्टीवर्स कोई फ्यूचर का सपना नहीं है, ये एक नाइटमेयर है। वर्ल्ड फोर्जर गुस्सा होता है, क्या मैंने एक नाइटमेयर क्रिएट किया है? बल्कि तुम लोगों ने मेरे वाले मल्टीवर्स को खराब कर दिया, सोर्स वॉल को तोड़ दिया, और पैचो को जागने दिया। क्या तुम्हें पता भी है कि पिछली बार उसे कैद करने में कितनी मेहनत लगी थी? फिर वर्ल्ड फोर्जर शांत होता है, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, मुझे बस दुख हो रहा है। लेकिन ये वाला मल्टीवर्स तुम्हारे वाले मल्टीवर्स से बेहतर तरीके से जस्टिस फॉर्मेशन कर सकता है। अब हमारी इकलौती उम्मीद है किसी एक तेज और खूंखार रूप में कन्वर्ट करना होगा, वरना जब ये मल्टीवर्स जजिस के पास पहुंचेगा तब सब मारे जाएंगे। फ्लैश ने कहा, देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो समझ ही सकता हूँ, अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो तुम हमारे वाले मल्टीवर्स को इस वाले मल्टीवर्स से चेंज कर दोगे। ग्रीनलैंडर पूछता है, और उन लोगों के साथ क्या होगा जो उस वाले मल्टीवर्स में है? वर्ल्ड फोर्जर कहता है, जिस किसी के भी उस मल्टीवर्स में एक जगह होगी उसे मेरा हैमर पटकते ही इस वाले मल्टीवर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो रियलिटी खत्म हो जाएगी। जस्टिस लीग पूछती है, और उन लोगों के साथ क्या होगा जिनकी कोई जगह नहीं है? वो लोग जिन्हें हमने कैद किया था, क्या जजिस के पास पहुंचने के बाद हम उन्हें आजाद नहीं करा सकते? वर्ल्ड फोर्जर कहता है, नहीं, इस वाले मल्टीवर्स को सही तरीके से चलाने के लिए जो कोई भी डूम का साथ देने वाला होगा उसे कैद रहना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। मार्शन ने कहा, यह नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं करते। केंड्रा ने कहा, कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। जबकि फ्लैश कह रहा है, हमें कुछ तो करना ही होगा। जॉन स्टीवर्ट भी फ्लैश का साथ दे रहा है। डायना कहती है, तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। तो गाइस, मार्शन को एक डिसीजन लेना पड़ता है, वोटिंग का। हम पहले भी इस ब्रॉड रूम के अंदर वोटिंग कर चुके हैं जब हम टोटलिटी के बारे में डिसीजन लेने वाले थे, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ है हर दिन हमें कुछ न कुछ पता चला है, और आगे आने वाले दिनों में जो भी कुछ होगा हम उसका मिलकर सामना करेंगे। गाइस, केंड्रा इस बात से सहमत है, डायना, फ्लैश और जॉन भी सहमत हैं, लेकिन अब ब्रूस का दिमाग खिसक चुका है। डायना कहती है, ब्रूस, ये तुम क्या कह रहे हो और तुम ये बात कर रहे हो? केंड्रा समझाती है,
ये लड़ाई आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। हम काफी सारी लड़ाइयाँ हार सकते हैं लेकिन हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ब्रूस ने कहा, क्या हम सच में हो पाएंगे? बारबाडोस के साथ हमारी लड़ाई के बाद हम एक कदम आगे लेते हैं और दो कदम पीछे हट जाते हैं। हम हार रहे हैं। हमें मानना होगा कि बहुत कुछ चीजें दांव पे लगी हुई हैं, लेकिन हम हमेशा उम्मीद के भरोसे बैठे रहते हैं। अब हमें रुक जाना चाहिए। फिर डायना भी मान जाती है। सुपरमैन कभी इस बात से सहमत नहीं होगा। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ हम सिर्फ जस्टिस को बचाएं, ये अच्छा नहीं है, फलफोजे कहते हैं। यही इकलौता पॉसिबल फ्यूचर है। और ये जान लो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, अच्छे लोगों को बचाओ या कोई नहीं बचने वाला। लेकिन बहुत हुआ, तुम लोग फिर से वोट कर सकते हो और अब की बार जो तुम वोट करोगे मैं उसे मान लूंगा। लेकिन गाइस, कोई भी दोबारा वोट नहीं करना चाहता, इसलिए वर्ल्ड फोर्जर गुस्से में वहां से निकल जाता है और जस्टिस लीग को वहां से हटाकर कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देता है। गाइस, अपनी टीम एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर अपीयर होती है। जॉन पूछते हैं, हम कहाँ हैं? तभी मार्शियन देखता है, ओ गॉड, ये एपोकलिप्स है और यहाँ के जेलों के अंदर सारे बुरे लोग कैद हैं। टंडा ने कहा, ये जगह हमारे वाले एपोकलिप्स से काफी बड़ी होगी। आखिर उन्होंने यहाँ पे कितने दुश्मन कैद कर रखे हैं? जॉन कहते हैं, लगता है कि सारे के सारे। टंडा ने कहा, तब तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मार्शियन कहता है, हमें सुपरमैन को ढूंढना होगा और यहाँ से जल्द बाहर निकलना चाहिए। लेकिन तभी उनके ऊपर अटैक हुआ। सुपरमैन हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है। डायना पूछती है, तुम ये कैसे जानती हो? उनमें से एक ने कहा, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने ही उसे मारा है। मैंने उन सारे सुपरमैन को मारा है और तुम ये जगह छोड़कर कभी नहीं जा पाओगे। मार्शियन ने कहा, हम जस्टिस लीग हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। टंडा पूछती है, लेकिन तुम कौन हो? गैस उसने अपना हेलमेट हटाया और कहा, मैं कौन हूँ? मैं हूँ लुईस लेन और ये मेरा इलाका है। तो गैस, उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 2700 व्यूज या फिर 675 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्द पूरा करवा देंगे।